समाज विकास क्रांति पार्टी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपका सवाल हो उसके पहले मैं कुछ जवाब बताना चाहता हूँ, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी के बारे में। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे इंडिया लेबर की पार्टी रजिस्टर्ड है। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर 7/11/2023 को मिला है। हम काम में तेजी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2024 ही नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारी पार्टी का लक्ष्य, समाज विकास क्रांति पार्टी का लक्ष्य देश को आगे बढ़ाना है, कर्मयोगी बनाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि अगर राजनीतिक पार्टियां सही ढंग से, जो भारत का संविधान है, अंग्रेजों के चुंगल से जब हमारा देश आजाद हुआ, सारे महापुरुष ने देश को आजाद किया, तो एक बाइलाज बनाया गया, एक संविधान बनाया गया जिसके तहत ये देश चलता है। जो संविधान के माध्यम से जो संस्था बनी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उस हिसाब से जब राजनीतिक पार्टियां देश के लिए काम नहीं कर रही हैं, वोट को लुभाने के लिए न कि देश को बचाने के लिए वोट पाने के लिए काम करती हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, देश को बचाने का काम करेंगे, देश को खुशहाल करने का काम करेंगे, इसलिए हमने हम सब लोगों ने मिलकर समाज विकास क्रांति की पार्टी की स्थापना की। बेरोजगारी का नाम लेके, गरीबी का नाम लेके वोट लुभाने का काम करते हैं, एक्चुअल लोग करती नहीं। हमने न्यूज में आपके जरिए सुना था कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। हम भीख मांगने का काम नहीं करेंगे, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर आप किसी से कुछ मांगते हो तो भीख के रूप में दिया जाता है, वो मदद के रूप में दिया जाता है। 140 करोड़ की जनता है, अगर उसमें से 80 करोड़ लोग जो डिपेंड है सरकार पे कि हमें पैसा मिलेगा तो हमारा घर चलेगा, हमारा चूल्हा जलेगा, हम इस चीज को नहीं मानते। हमें मदद उनकी करनी है जो देश में आप देखेंगे हर मंदिर के बाहर, हर चौराहे पे, अगर 80 करोड़ जनता का वो हम अगर योगदान कर रहे हो तो दे रहे हैं तो ये भिखारी कहां से है? हमें तो फिर दिखने नहीं चाहिए, हमें उनकी मदद करनी है और हमारी जनता को हमें रोजगार देना है। हमारा पहला एजेंडा है कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा एजेंडा है हमारा कि हम ये जो चीजें चल रही हैं, हम किसी को दान नहीं, किसी को मुफ्त में नहीं, हम किसी को रोजगार देंगे, पूरे देश में रोजगार देने का काम करेंगे। हम विकास चाहते हैं भारत सरकार, हम हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं, तो हमें हिंदुस्तान का भारतवर्ष का विकास करने के लिए जो सही मायने में लगता है जो चीजें, हम देश को बढ़ाने का काम करेंगे, हम देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए 3 तारीख को हम अयोध्या पहुंचेंगे, वहां संकल्प लेंगे और 12 तारीख को जंतर मंतर, 12 फरवरी को जंतर मंतर पे अपनी रैली को समाप्त करेंगे। संकल्प का जो यात्रा का मिशन है, आपने बाकी लोगों से आपने जोड़िए,
जैसे लोग तरह तरह की रैली निकालते हैं, हमने कहा कि ये जो चीजें सरकार बता रही है कि हम ये करेंगे भारतवर्ष के लिए, हम ये करेंगे, तो ये हम उस रैली में क्लियर करेंगे कि हमारी रैली का जो जो मकसद है, हमने कहा ना 3 तारीख को अयोध्या पहुंच रहे हैं, 12 तारीख को जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि जो हमारा राष्ट्र हो वो हमने सबसे बड़ा मेरा मकसद है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाओगे कैसे? सपने में तो बन नहीं सकता। उसके पहले सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के हिसाब से किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर होने चाहिए, या तो चुनाव लड़ने की बात चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे कैसे? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप अध्यक्ष हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप सम्मिलित हो, या आप पार्लियामेंट के सदस्य हो तो अपनी बात कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि ये सब जो बातें हैं जो हवा में चल रही है, उसको हम 3 तारीख को संकल्प लेंगे कि इसको हम सच में, हमारी सत्ता जब आएगी, जब हमारी सरकार आएगी 2024 के बाद, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है। नहीं, एनडीए की सरकार बनने वाली है, इंडिया की गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बीबीसी का जमाना याद करिए, कितने सांसद थे, प्रधानमंत्री बने थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी के पहले कोई सरकार बना नहीं सकता 2024 में। ये मेरा कहना है। प्रधानमंत्री बनना है तो राज्यसभा में भी जाके बन सकते हो। आपको बनारस पे जाके उसी सीट को टारगेट करने की जरूरत कहां पड़े, इसलिए की बात है। हमारी मिसेज द्रौपदी नवरात्र के नंगे पांव बिना चप्पल के गंगा स्नान रोज करती है, बिना स्नान किए चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो बिना भगवान की पूजा किए, बिना देवी की पूजा किए बिना वो उसने अनुग्रह नहीं कर सकती। और आप अगर चार्टर प्लेन से जाके, आप हवाई जहाज से जाके, आप गाड़ी से जाके वहां बता दो कि मैं धर्म का अनुयायी हूं, अगर मैं कर रहा हूं तो सारे लोग हमारी पार्टी के, ये मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं 2 सीट से लड़ा था, पहले 2009 में नॉर्थ ईस्ट से, जिसको ईशान मुंबई कहते हैं, और दूसरा चुनाव 2014 में लड़ा था मैंने, जहाँ से गोपाल शेट्टी सांसद हैं, उत्तर मुंबई जिसको कहते हैं। लोकसभा चुनाव क्या है? देखो, ये तो मेरी शुरुआत है। मैंने कहा 7 नवंबर को मेरा सर्टिफिकेट मिला है, तो हम 7 नवंबर से पहले ही अपने सारे जो सदस्य हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको जो ग्राउंड लेवल पे तैयार करने का काम कर रहा था मैं 3-4 साल से, जब चुनाव लड़ा था उसके पहले भी कर रहा था कि हमें एक दिन ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जब रजिस्ट्रेशन मिला था, हम उसको अब मीडिया के सामने आए हैं, ये मेरी शुरुआत है। और हम अब तेज़ी से 22 दिन की मेरी जो रैली निकल रही है, उसमें सारी चीज़ें पर डे कुछ ना कुछ हमारा होता रहेगा। और हमारा उद्देश्य वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा उद्देश्य है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे देश में मुसलमान, सिख, ईसाई ये ना रहें, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। दूसरा, कहाँ से कहाँ तक आपकी निकलने वाली है? आज़ाद मैदान मुंबई से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए, अयोध्या होते हुए, लखनऊ होते हुए, जंतर मंतर पे 12 फरवरी को समाप्त करूँगा। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? फिर वही कह रहा हूँ कि मेरा हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा उद्देश्य है, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना मेरा उद्देश्य है, और हमें रोजगार देना है, लोगों को भीख नहीं देना है, रोजगार देना है यहाँ के युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे आप आगामी लोकसभा चुनाव? 150 से लगभग 150 और 200 के बीच में हमारी जो भी सीटें रहेंगी पूरे देश में, हर प्रदेश में। कितना पार्टी ने ग्रोथ कर लिया है? हमारे पास कम से कम अभी 1 करोड़ लोग सदस्य बन चुके हैं पूरे देश में, और एक एक सदस्य हमारा 10-10 पे भारी है। हम इस तरह से संगठन बना रहे हैं, तो करोड़ से ज़्यादा मेरे सदस्य बन चुके हैं। जो कहते हैं बूथ के पदाधिकारी, उनको उस तरह से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हम इस बार सरकार ना इंडिया की बनेगी ना इंडिया की बनेगी, किसी गठबंधन की नहीं बनेगी। मैं किसी को सरकार बनाने नहीं दूंगा, बिना मेरे सरकार नहीं बनेगी। बीपी सिंह का जमाना याद करिए, हमें सब लोग समर्थन, मैं किसी का समर्थन नहीं, मेरा समर्थन लोग करेंगे, मैं दावे के साथ। आप किसी से गठबंधन में नहीं करेंगे? नहीं, हमसे लोग गठबंधन करेंगे, मैं कह दिया ना, हम किसी को सबको मजबूर कर देंगे, गठबंधन हमसे करेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन होगा लेकिन हमसे होगा। छोटे चुनावों में कभी हाथ आजमाया आप लोग?
नहीं, हम देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। छोटा चुनाव उस चीज़ को नहीं मायने रखता है, इसलिए हम छोटे चुनाव में कभी लड़े हैं। छोटे चुनाव अब लड़ूंगा, लेकिन पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद फिर असेंबली का भी चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद फिर नगर निगम का चुनाव लड़ूंगा, सारे चुनाव लड़ूंगा। लगातार आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जी, पार्टी का उद्देश्य यही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र शास्त्री की आपने बात की, वो साधु संत है लेकिन उनके कहने से हवा में। जब भारतीय संविधान का कोई आपके पास सिस्टम नहीं पता है, इसका मतलब आपने भारतीय बायलाज पढ़ा ही नहीं। भारतीय बायलाज में है, जब तक आप पार्टी नहीं बनाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, अपने घर में तो रजिस्ट्रेशन मैंने किया नहीं, जो भारतीय संविधान का नियम है उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया। मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लाने में भी कम से कम 1.5 से 2 साल लग गए। तो जब रजिस्ट्रेशन लाया हूँ तब कह रहा हूँ, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं कैसे कहूँगा? ना पार्लियामेंट के मेंबर हो, ना किसी पार्टी के सदस्य हो, ना आपकी कोई पार्टी है, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? इसका मतलब देशद्रोह का काम करोगे बना के, जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया है, हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, हम लोगों को जोड़ेंगे, धर्म के साथ लोगों को जोड़ेंगे, एक्चुअल जोड़ेंगे, उसमें नाटक नहीं होगा। भाई जी, मैं भगवान का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, और मैं स्वागत करता हूँ। आज बीजेपी की पार्टी की सरकार है, कल किसी और की रहती तो वो वहाँ पे रहती, तो जिनकी सत्ता है वो रहेंगे। आप पार्लियामेंट में आप जाते हो तो जो सदस्य रहे वही जाएगा, जो नहीं है वो नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि किसी चीज़ को नहीं मानता। हम 3 फरवरी को जा रहे हैं अयोध्या में, हम रामलला के मंदिर में 3 को जा रहे हैं, 3 को हम संकल्प लेंगे, भगवान हमारे हैं, हम अपने हिसाब से जाएंगे। मैं सुनील कुमार सक्सेना, समाज विकास पार्टी के अंतिम में आप किस पद पर हैं, कब से? मैं पार्टी में एज ए महासचिव वर्किंग कर रहा हूं, और हमारा ये पहला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और सबके सहयोग से बहुत कामयाब रहा। और हम लोग जो 20 तारीख को अपनी संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं, हमारा सबका फोकस उधर ही है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें कामयाब करना है, और आगे जितने भी हमारे मिशन से सारे उससे कनेक्टेड हैं। और 3 तारीख को हम लोग, जैसा सर ने बताया, अयोध्या में जाके हम संकल्प लेंगे, समाज विकास पार्टी, क्रांति पार्टी, जिस तरीके से भी हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, वो सारे एजेंडा को लेके हम संकल्प करेंगे। और हम बहुत कामयाब कोशिश कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया कि हम रोज़गार के ऊपर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, रोज़गार के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, जिनको मांगना ना पड़े, हक से वो कमाएंगे, डेली कमाएंगे, रोज कमाएंगे, महीने में कमाएंगे, साल का कमाएंगे, हर तरह का रोज़गार उनको दिया जाएगा। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, क्योंकि भारत को नंबर वन बनाने की बात करते हैं, लेकिन नंबर वन सिर्फ कागज़ों में नहीं बनाना है, प्रैक्टिकली बनाना है। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, नंबर वन नहीं बनेगा। हमें नंबर वन बनाना है तो सब लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा। मैं पब्लिक से अपील यही करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो मिशन आज चालू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज विकास पार्टी से जुड़ें, हमारे मिशन के साथ जुड़ें, हमारे संकल्प के साथ जुड़ें, क्योंकि उसमें सबका फ़ायदा, क्योंकि सब एक आवाज़ बनेंगे। जैसे हमारा नाम है, जो हमारा नाम ही साक्षात करता है, समाज विकास क्रांति पार्टी, हर समाज के हमने विकास करना है, तभी वो क्रांति होगी। और मैं आह्वान करता हूं उन लोगों से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ें, एकजुट हों, और हमें समझें, और एक मौका दें हमें उन लोगों की सेवा करने का, क्योंकि हर आदमी जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता, ऐसा दिखता है। इसीलिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं, और हम लोग बड़ी कामयाब कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक आह्वान करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और हम लोगों को भी एक मौका दें, और हमारे साथ आके, हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के, हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़े और कामयाब करेंगे। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। सर, आपने पार्टी कब ज्वाइन करी थी? मैंने अभी 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करी है। क्या सोच कर, क्या विचार आया इस पार्टी को ज्वाइन? देखो, विचार यही आया है कि भ्रष्टामुक्त भारत हमें चाहिए, तो कुछ न कुछ हमें नया करना पड़ेगा। जो पुरानी पार्टियां हैं वो सब एक ही ढर्रे पे चलने वाली हैं, और कुछ नया एनर्जेटिक कुछ करना पड़ेगा, तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे सकते हैं। कुछ समय हो चुका है आपको पार्टी के अंदर काम करते हुए, तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा है, सभी लोग जोश से काम कर रहे हैं, और जोश के साथ ही बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो यूथ है बहुत ज़्यादा हमारे प्रति रुझान ले रहा है। अभी तक आपको किस पद पर काम करने के लिए? अभी हमें कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आने वाले चुनावों में क्या उद्देश्य रहने वाला? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते।
अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहना चाहोगे उनके साथ जुड़कर? माननीय अशोक जी जो हमारे अध्यक्ष हैं बहुत अच्छे नेता हैं और बड़ी अच्छी सोच के साथ उन्होंने एक पार्टी बनाई है और हम चाहते हैं कि हम उनके कंधे से कंधा मिला के चलें ताकि वो अपने उद्देश्य में कामयाब। इससे पूर्व भी आप किसी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं? नहीं, कोई पार्टी के लिए मैंने काम नहीं किया है ऐसा कुछ। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट में हूँ। हम लोगों ने ये पार्टी ज्वाइन की है, हम इस पार्टी को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों पूरा देश इसमें हमारा साथ दे। और हमने आपको बताया कि हम इसमें हिंदू राष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं। बस यही आप लोगों का साथ चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जी रूबी जी, बताइए किस पद पर हम काम कर रही हैं, कब से पार्टी से जुड़ी हुई? जी मैं पार्टी से अभी हाल ही में जुड़ी हूँ, दिसंबर में। और मैं जैसा कि आप देख सकते हैं महिला समिति अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया। और इसमें हम इस पार्टी में समाज विकास क्रांति पार्टी में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी शुरू से ही लेकर चल रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि पूरे भारत से महिलाओं को जोड़ें और बराबरी कंधे से कंधा मिला के सब लोग साथ में अपनी सरकार बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करके सरकार का हिस्सा बनें।